नमस्कार दगड़ियों, काफल आर्ट का यूट्यूब चैनल पर आप सभी महान भावों का स्वागत है। मैं कुंज बिहारी मंडी पी आज आपका वास्ता लेके आनु छो कवित्री लक्ष्मीपाल की एक गढ़वाली कविता। कवि लक्ष्मीपाल पिछला एक डेढ़ दशक बटी की गढ़वाल की दशा और दिशा पर बहुत अच्छी कविता लिखनी छन। पहली बार आपका वास्ता नेताओं पर एक कविता भली लक्ष्मीपाल की। आप थे पसंद आली तो आप हमारा चैनल थे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर लक्ष्मीपाल की कविता आप थे अच्छी लगी और सुन चंदन तो आप हम कमेंट्स में लिखें, हम तो इंतजार रहा। धन्यवाद। आज कविता को जो शीर्षक छे वो छे नेताओं की व्यथा। किले की बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा हुई छे, हर तरफ बेरोजगारी की चर्चा छे। तो नेताओं को यहाँ क्या योगदान छे और हमर क्या कर्तव्य छे, इन बात पर यह कविता हमारी नेताओं की व्यथा। यूं नेताओं की भी झणिकन किस्मत रहे सुचणो छो कभी कभी कि यूल नेता बने की क्या पै। बहुत बढ़िया। कैन पड़ी नीच सोची कि नेता बन तो पड़ी क्या कन। कैन पड़ी नीच सोची कि नेता बन तो पड़ी क्या कन। कैन खूब पड़ी कि नेता बन तो ढंगो बन। कैन खूब पड़ी कि नेता बन तो ढंगो बन। चला जी अब नेताजी बन गया ही, अब उमा टाइम नहीं रही। नेताजी नेता बन गया ही, अब उमा टाइम नहीं रही। कुछ नेताओं थे हौरुल घोटाला में फंसे दिया ही, और कोई जो बचा था उन थे कवि सम्मेलन में बुलाए गया ही। वाह क्या बात। कुछ जो बचा था उन थे कवि सम्मेलन में बुलाए गया ही। कवि सम्मेलन में भी ऊं दगड़ी कुछ कम निवाई। पहली कवि गणों ने उठे माला पहरे की सम्मान काई। पहली कवि गणों ने उठे माला पहरे की सम्मान काई। और सम्मान मा लंबू चौड़ू भाषण दियाई। और श्रोतागणुल भी जोश से ताली बजाई। फिर थोड़ी देर बाद एक कवि गण आई, नेताजी फर कविता सुनाई और उनकी खूब खींचे गाई। नेताओं सरे भ्रष्ट करयाली, यू कयाली वो कयाली बोली चली आई। अब नेताजी पिछने बैठी की मुल मुल मुस्कुराई कि अब बीतेन में आरु सम्मान का आई तो अब गायर के लिए दियाई। ऐच बटे श्रोता गणुल भी कुछ कमी निकाई। पहली माला पहन फर ताली बजाई, तब गाली पौन पर ताली फर ताली बजाई। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि क्या सब कुछ नेता ले कन छाई। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमर निराई, पर हीरा तो नेताओं कोई निराई। जनतल हमेशा तो जना उंगली खड़काई, तभी तो नेताओं ज्यादा कुछ निकाई। ऊँते भी गुस्सा आनी छो भाई। खैर छोड़ा, ये तो मेरी सोच है भाई। कुछ देर बाद एक और कवि गण आई, इना उना की कविता सुनाई। नेताजी कुछ समझ में नहीं आए, क्यों उनकी जब नेताजी आने दो तो कुछ समझ में नहीं आन, पर वो आया रन दिन कवि सम्मेलन हुआ आन पढ़ दो थे आन पढ़ दो थे वो तो समझ में कुछ नहीं आन रहे, मजबूरी रहने उनको बैठने। कुछ देर बाद एक और कवि गण आई, इना उना की कविता सुनाई। नेताजी कुछ समझ में नहीं आई। कुछ देर तक उना बाद नेताजी से गई। थोड़ी देर बाद याद आई कि मित कवि सम्मेलन में छो भाई। फिर जरा मुस्कुराई, एक आध ताली बजाई और फिर से गई। अजो एक और कवि गण आई और नेताजी को नाम लियाई। अपनो नौ सुनी की नेताजी टक कंदूड़ खड़काई। जरा तारीफ विवाई, चला अब नेताजी की नींद भाग गई। अब नेताजी सोचण लगे ने कि सच बोलो छो, अगर आज मी जुगुत कोई रोजगार हुंदो तो मैं नेता कभी नहीं बन दो। आज मेरी समझ में यह बात ए गया ही कि रोजगार का अवसर तो खुलन पड़ोला भाई। धन्य हो कविगण कि तुम उल्मी थे यह बात सिखाई
कि न तुम म कुछ काम रही ऊंचा न मी म कुछ काम राई तभी तुम्हें यह खाई। बहुत सुंदर यहाँ मतलब भारी बेरोजगारी छु भाई। धन्यवाद दीदू तुम थे कि तुम उलमी थे जरा काम बताई एक बटे जय के तुरंत कन पोड़ली रोजगार का अवसर की खुदाई। धन्य हो कमीगढ़ भाई जो उलमी थे कवि सम्मेलन में बुलाई। धन्यवाद।